हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, चैप्टर नंबर टू। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्टूडेंट को बहुत हार्ड लगता है, कठिन लगता है, और कठिन है भी ये। और अगर आप शुरू से इस पर ध्यान नहीं बनाएंगे और अच्छे से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो पूरी ज़िंदगी भर ये आपको कठिन लगेगा। आपसे पहले जो सीनियर इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, आपके पिछले साल वाले, उसके पिछले साल वाले, उसके पिछले साल वाले जो सीनियर निकले हैं पढ़ के, उन सभी सीनियरों को जब हम पूरा चैप्टर पढ़ा के आखिरी में उनसे पूछते हैं कि बताओ पूरे चैप्टर 16 में से, 16 चैप्टर हैं आपकी बुक में, पूरे 16 के 16 चैप्टर में से सबसे कठिन चैप्टर कौन सा लगा आपको, तो उनका जवाब होता था चैप्टर नंबर टू, ठीक है। और आपका भी जवाब यही रहेगा लास्ट में जब आप सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि बच्चों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं रहती इस चैप्टर पर। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड करता है स्टूडेंट से, ठीक है। और आप क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर कॉपी साइड फेंक दिया, दोबारा कभी इसका रिवीजन नहीं करना है। और रिवीजन ना करने का घाटा क्या है, घाटा ये है कि इसका जो सवाल है वो 5 नंबर के लिए आपके परीक्षा में आता है, कभी 6 नंबर के लिए आता है, समझ आया। 6 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ से आता है डायरेक्ट, 6 नंबर का, या कभी 5 नंबर का, आगे बात समझ में। और छोटे मार्क्स से क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन ये कठिन लगने लगता है क्योंकि हमारा प्रैक्टिस उतना बढ़िया नहीं रहता। तो आपको शुरू से इस चैप्टर को डिटेल से समझना है, इसके सारे एग्जाम्पल, सारे ट्राई दिस के क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से बनाने हैं और उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और इसके PYQs यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। समझ में आई बात, आई नहीं आई, क्योंकि इसका एक सवाल आपको कितने नंबर दे के जाएगा, 5 से 6 नंबर दे के जाएगा, और मेजॉरिटी मार्क्स जो होता है आपके बोर्ड एग्जाम में वो 6 मार्क ही होता है, और ये एक क्वेश्चन 6 नंबर दे के जाता है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन भी लेंदी होते हैं, कैसे होते हैं, इसके सॉल्यूशन लेंदी होते हैं, ठीक है। अब लेंदी होंगे सॉल्यूशन तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट को दिक्कत होगी, लंबे लंबे स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो हमको वो सब चक्कर में नहीं फंसना है, हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे, क्लियर है। हेलो प्यारे बच्चों, आपके लिए हम जीनियस एकेडमी ऐप पर क्लास 10th के लिए कोर्सेज लेकर के आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे उन कोर्सेज में इनरोल हो चुके हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। आप भी अगर सीमलेस स्मूथलेस अपनी पढ़ाई कैरी ऑन करना चाहते हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करना चाहते हैं तो आप भी जीनियस एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और क्लास 10th के लिए जो CG बोर्ड के कोर्सेज हैं जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस आपको कंबाइन एक साथ एक जगह पर मिलने वाली है, उस कोर्स में इनरोल हो जाइए। बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ हम इस कोर्स को लेकर के आए हैं, 1499 पूरे एक साल के लिए। और इस कोर्स में इनरोल होकर के पूरा आपको मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर मिलेगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक। उसके साथ में साइंस भी आपको मिलने वाली है, और साइंस में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर कवर होंगी, बायोलॉजी अभी फिलहाल कवर नहीं हो पाएंगी। तो ये दोनों का पैकेज हम एक सिंगल प्राइस में आपके सामने लेकर के आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, आप भी ज्वाइन हो करके अपने स्टडी को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं और अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। इसमें मैथमेटिक्स में आपको पूरे डिटेल लेक्चर तो मिलेंगे ही पूरी बुक के, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे पूरे 5 साल के, 2018 से लेकर के 2024 तक के, ईयर वाइज और चैप्टर वाइज हमने इनको डिज़ाइन किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और साइंस के लिए भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी PYQs अवेलेबल करवा दी जाएंगी। इसके अलावा समय समय पर बोर्ड की तरफ से या अलग अलग पब्लिकेशन की तरफ से जो मॉडल पेपर आते हैं, सैंपल पेपर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी आपको इन कोर्सेज के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपकी पढ़ाई भी एक लेवल अप हो जाएगी, यानी ऊपर चली जाएगी, यानी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, जल्दी से जल्दी इसमें ज्वाइन होने की कोशिश कीजिए और अपने नीडी स्टूडेंट तक या अपने ज़रूरतमंद साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक हमारी ये वीडियो पहुंचे और वो हमारे इन कोर्सेज से फ़ायदा हासिल कर सके। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कोर्स के अंदर, शुरू किया जाए। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मीनिंग हम समझेंगे। मीनिंग समझने से पहले ये समझिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसका जवाब निकाल के देते हो, है ना। दुनिया भर के आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक, सब में आपको सवाल का जवाब ही देना है ना। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपसे एक ही प्रश्न में दो दो सवाल पूछे जाएंगे,
क्या समझे आप? एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन रहेंगे? दो क्वेश्चन। और इसके बहुत सारे यूजुअल एग्जांपल हैं, जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर को वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, सपोज करिए एज वाला क्वेश्चन है, आपने छोटी क्लास में भी बनाया है, फादर का एज, सन का एज, डॉटर का एज, इस तरह के सवाल आपने बनाए हैं। अब एक क्वेश्चन में हम कुछ सिचुएशन आपको बताएंगे और आपसे पूछेंगे फादर की एज कितनी होगी, सन की एज कितनी होगी। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर दो सवाल आ गए, आपको फादर का एज भी निकाल के बताना है और सन का एज भी निकाल के बताना है। आई बात समझ में? किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, उसमें हम आपसे लेंथ भी पूछ लेंगे, ब्रेथ भी पूछ लेंगे, कुछ टर्म कंडीशन बता देंगे कि लेंथ ब्रेथ से 4 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है, या 3 मीटर ज्यादा है, 10 मीटर कम है। इस तरह से हम सिचुएशन बताएंगे और आपसे लेंथ और ब्रेथ दो सवाल पूछेंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो दो क्वेश्चन वाले सवाल होते हैं, ये सब के सब किस चैप्टर से बिलोंग करते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। आया समझ में? तो इस पूरे चैप्टर में जो भी लेंथी क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चनों में सवाल कैसे रहेंगे, जिसमें दो दो चीजें आपसे एक ही सवाल में पूछी जाएंगी और आपको दो दो चीजों का जवाब देना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन और बाद में टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल का मतलब तो आप समझते हैं, ये हमने चैप्टर 1 में भी थोड़ा बहुत कवर किया हुआ है, किए हैं नहीं किए हैं? वेरिएबल मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जो फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू वेरी करती हो, चेंज होती हो। जैसे हम अल्फाबेटिकल सिस्टम से उसको दिखाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड, है ना, वर्ड से दिखाते हैं, लेटर से दिखाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, बदलने वाली होती है, वेरिएबल होती है। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? इक्वेशन का मतलब तो आप सब समझते हैं, इक्वेशन मतलब एनी एक्सप्रेशन विच कैरी इक्वल साइन। मैथ्स का कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, इक्वल साइन हो, उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। जैसे हमने लिखा ये ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, समझ आया? ये ए कोई नंबर होगा, बी कोई नंबर होगा, रियल नंबर, एक्स यहां पर वेरिएबल, समझ आई बात? तो अगर मैं ए की वैल्यू 2 पुट कर दूं, बी की वैल्यू 3 पुट कर दूं और एक्स को एक्स ही रखूं और इसको इस तरह से लिख दूं, तो समझ में आएगा आपको? दिस इज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ए की जगह कौन दिख रहा है आपको? 2। बी की जगह कौन दिख रहा है? 3। और ये कौन सा साइन है? इक्वल। जिस एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये साइन है इक्वल, तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? इक्वेशन। समझ में आया? आया नहीं आया? ये साइन समझ रहे हो? ये ठीक है, एनी एक्सप्रेशन कैरीज इक्वल साइन, किसी भी एक्सप्रेशन में जिसमें इक्वल साइन है क्या कहलाएगा? ऐसा एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? इक्वेशन। ये इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। कोई भी मैथमेटिकल टर्म जिसमें इक्वल साइन आता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है? तो इक्वेशन का मीनिंग आई थिंक क्लियर हो गया आपको, जिसमें भी इक्वल साइन है उसको क्या बोलना है। अब कोई जरूरी नहीं इक्वल टू जीरो हो, इक्वल टू के बाद कोई नंबर भी हो सकता है, समझ आया? जीरो भी तो एक नंबर ही ना है। हम जीरो लिखने के बजाय 1 लिख देते, 2 लिख देते, -2 लिख देते, -100 लिख देते, ये साइन है ना। इक्वल साइन जिस एक्सप्रेशन में आएगा, ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब लीनियर का मतलब होता है एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जितने भी हो, उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। जैसे यहां पर x का पावर कितना दिख रहा है? अगर हमने कोई भी पावर नहीं लिखा है, इसका मतलब कितना पावर है यहाँ पर? पावर 1। 1 को यूजुअली हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर पावर कितना है? 1। 1 पावर होने के कारण ये एक्सप्रेशन कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। समझ आया? लीनियर शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? वेरिएबल का पावर कितना हो? 1। मैक्सिमम पावर को डिग्री भी बोलते हैं अपन ना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन, एनी इक्वेशन हुज डिग्री, डिग्री मतलब समझ रहे हो ना, क्या होता है डिग्री? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, पावर किसका देखना है? वेरिएबल का। एनी इक्वेशन हुज डिग्री यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। कोई भी ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। डिग्री बोले तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। जैसे यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ x का पावर 0 है, दिख रहा है? कोई डाउट है? यहाँ पर x का पावर 0, यहाँ पर x का पावर 1, तो मैक्सिमम पावर कितना है इसमें वेरिएबल का? 1 है, यानी हम डिग्री बोलेंगे ना। तो डिग्री अगर 1 है इक्वेशन की, तो ऐसा इक्वेशन क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
लेकिन हमने इसमें कितने वेरिएबल यूज किए हैं, देखिए जरा चेक करिए कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर, टू है, कौन कौन से, टू और थ्री वेरिएबल हैं, टू और थ्री वेरिएबल हैं क्या, तो क्या है, एक्स वेरिएबल है, तो टू और थ्री क्या है, ये हमने पॉलिनोमियल में भी आपको बताया है, ये नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं होता इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं, किसी वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होता है इस नंबर को बोलते हैं कोएफिशिएंट, क्या बोलेंगे इसको, और ये जो चीज होती है ये दिख रहा है एक्स वाई जेड, इनको क्या बोलते हैं, दिस इज वेरिएबल। तो मुझे बताइए इसमें हमने कितने वेरिएबल यूज किए हैं, कितने दिख रहे हैं जी, एक्स वाई जेड कैटो दिख रहे हैं एक, इसलिए ये कितने वेरिएबल वाला हो गया, हाँ दिस इज लीनियर इक्वेशन, वाई वी कॉल इट लीनियर बिकॉज द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज वन, दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल हैं इस लीनियर इक्वेशन में, वन वेरिएबल, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये एक वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हमको कितने वेरिएबल वाले पढ़ने हैं, हाँ दो वेरिएबल, समझ आया। तो दो वेरिएबल कैसा दिखेगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होता है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हमने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए कोई नंबर होगा, बी कोई नंबर होगा, सी कोई नंबर होगा, ए को हम बोलेंगे एक्स का कोएफिशिएंट है, बी को बोलेंगे वाई का कोएफिशिएंट है, और सी कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म, समझ आया। तो इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक वेरिएबल है एक्स और दूसरा वेरिएबल है वाई, कितने वेरिएबल यूज हुए, दो वेरिएबल यूज हुए, इसलिए इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल वाला इक्वेशन, समझ आया। अब जरा इसके वेरिएबल के पावर को चेक करो, एक्स का पावर कितना है, ये वाई का पावर कितना है, ए बी सी तो नंबर है जी, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, दिख रहा है, तो ए की जगह कोई नंबर होगा, बी की जगह कोई नंबर होगा, सी की जगह कोई नंबर होगा, बिना वेरिएबल वाला नंबर कॉन्स्टेंट नंबर होगा, थ्री क्या कहलाएगा, वाई का कोएफिशिएंट, टू क्या कहलाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट, समझ में आता है, एक्स क्या चीज है, वेरिएबल, वाई क्या चीज है, वेरिएबल, यहां पर वेरिएबल का पावर कितना है, वन, यहां पर वेरिएबल का पावर कितना है, वन, यूजुअली वन अपन लिखते नहीं है, तो मैं यहां पर बिठा देता हूं, पावर वन है कि नहीं, है कि नहीं, तो पावर वन होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, लीनियर, और इक्वल साइन होने के कारण इक्वेशन, और दो वेरिएबल होने के कारण टू वेरिएबल, समझ में आया, आया नहीं आया, आया। तो इस तरह का फॉर्मेट जो होगा वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये रहेगा, ठीक है, हाँ। अब और ध्यान से सुनिए, हमको ये दो तरह के लीनियर इक्वेशन बनाने की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है, समझने के लिए ये सिंगल वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन और इसमें दो दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन, ये जरूरत क्यों पड़ी, दो तरह के सवाल हम आपसे पूछेंगे, है ना, जब किसी क्वेश्चन में एक चीज पूछी जाएगी तो उसमें एक वेरिएबल यूज करेंगे, और जब किसी सवाल में दो दो चीजें पूछी जाएंगी तो उसमें दो दो वेरिएबल यूज करेंगे। वेरिएबल यूज काहे को करते हैं, वेरिएबल यूज ही क्यों करते हैं, एक्स और वाई को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का अपना एक उसूल है सॉल्व करने का, जो छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, जब हमको कुछ नहीं पता तो अपन मान लेते हैं मैथमेटिक्स में, मानते हैं ना, जैसे हम एज ऑफ फादर और एज ऑफ सन आपसे पूछेंगे, है ना, और हमको करंट एज नहीं पता है फादर की या सन की, तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं फादर की एज कितनी है, एक्स ईयर, मान लेते हैं सन की एज कितनी है, वाई ईयर, तो एक्स ईयर वाई ईयर इमेजिन किया कि नहीं किया। तो जब कोई चीज पता नहीं होती जिसका आंसर निकालना होता है उसको हम कोई वेरिएबल इन्वॉल्व करके असाइन कर लेते हैं, वेरिएबल इन्वॉल्व कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, ऐसा बोलेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। तो जब क्वेश्चन में एक सवाल पूछा जाएगा तो कितने वेरिएबल इन्वॉल्व करेंगे, एक, और सवाल में अगर दो क्वेश्चन पूछा गया है तो कितने वेरिएबल इन्वॉल्व करेंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछ लिया गया तो तीन चीजें पूछ ली गई तो कितने वेरिएबल आएंगे, तीन वेरिएबल, समझ में आया। अब एक और छोटा सा उसूल समझिए मैथमेटिक्स का, ठीक है, जब क्वेश्चन में एक सवाल पूछा जाता है, क्या, किसी क्वेश्चन में एक सवाल पूछा जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक वेरिएबल इन्वॉल्व करना पड़ेगा, समझ आया। अब उसी वेरिएबल की वैल्यू ही तो आपके आंसर की वैल्यू कहलाएगी, आंसर कहलाएगा, समझे कि नहीं समझे। आप
जितनी गठाने लगाएंगे खोलना आप ही को पड़ेगा, आया समझ? जितनी गठाने आप लगाएंगे खोलना भी आप ही को पड़ेगा। एक गठान लगाओगे तो एक गठान खोलना पड़ेगा, दो गठान लगाओगे तो दो गठान खोलना पड़ेगा। यही चीज यहां पर लगती है। अगर आपने क्वेश्चन में एक वेरिएबल इन्वॉल्व किया है तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन लगेगा, आया समझ? एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, उसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? एक इक्वेशन। अगर आपने गलती से क्वेश्चन में दो दो वेरिएबल इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि आपसे दो चीज पूछी गई थी क्वेश्चन में, तो अगर आपने दो वेरिएबल इन्वॉल्व कर लिया तो दो वेरिएबल की दो ठो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू एक्स की आएगी, एक वैल्यू वाई की आएगी, समझ में आ रहा है? तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन आपको बनाने पड़ेंगे। कितने? कहने का मतलब ये है, जितने वेरिएबल आप यूज करोगे, इन्वॉल्व करोगे अपने क्वेश्चन में, उतने इक्वेशन लगेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। समझे बात कि नहीं समझे? तो इस हिसाब से बताइए, किसी क्वेश्चन में अगर आपसे तीन चीजें पूछ ली गई है ना, बाप की एज, बेटे की एज और पोते की एज, समझ रहे हैं? दादा की एज, बाप की एज, पोते की एज, समझ आया? या ऐसे बोलिए, बेटे की एज, फादर की एज, ग्रैंड फादर की एज। तो तीन चीजें पूछी गई हैं तो कितने वेरिएबल लगेंगे? तीन वेरिएबल, और तीन वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन कैठो लगेंगे? तीन ठो इक्वेशन लगेंगे। तो ये बेसिक फंडा समझ में आया, जितने वेरिएबल हम अपने सिचुएशन में इन्वॉल्व करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए उतने ही क्या लगेंगे, बोलो बोलो, इक्वेशन लगेंगे, उतने ही इक्वेशन। अगर आपने दो वेरिएबल यूज किया है तो दो ठो इक्वेशन लगेंगे सॉल्व करने के लिए, समझे? तो यहां पर हम एक वेरिएबल यूज करते हैं तो खाली एक ही इक्वेशन से उसका आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता तो मैं इसको इस तरह से लिखता, 2x plus 3 equal to 0, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, वही तो इसका आंसर कहलाएगा। सारे नंबर एक तरफ कर दो, x को एक तरफ बचा लो, x का वैल्यू हो जाएगा। जैसे 3 नंबर है, उधर भेजेंगे इधर प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचा? 2x, 2x के साथ मल्टीप्लाई में है। अब 2 भी नंबर है तो नंबर को नंबर के पास भेजना है, 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर भेजेंगे डिवाइड में आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये x की वैल्यू होगी। निकल आया एक वेरिएबल का आंसर। इस आंसर को निकालने के लिए कितने इक्वेशन लगे? एक इक्वेशन, यही तो था इक्वेशन जिसमें इक्वल साइन है, समझ आया? लेकिन इसमें दो दो वेरिएबल हैं, तो क्या ये सिंगल इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा? जैसे इसमें एक्स भी है वाई भी है, अब आप 5 को उधर ले जाओगे, अब आप कुछ भी करके देख लो, एक्स और वाई दोनों दिखेंगे आपके इक्वेशन में, किसी एक की वैल्यू नहीं आएगी, आया समझ? तो ऐसी सिचुएशन में हमको कितने इक्वेशन लगेंगे सॉल्व करने के लिए? दो इक्वेशन। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से हो जाएगा, ये दो इक्वेशन हो गए, लेकिन दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो हमको पता ही नहीं चलेगा पहला इक्वेशन कौन सा है और दूसरा इक्वेशन कौन सा है। तो स्टैंडर्ड को अलग अलग दिखाने के लिए कि पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, हम क्या करते हैं, ये जो x और y के कोएफिशिएंट होते हैं इनमें नंबरिंग लगा देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, यहाँ 1 लिख दिया, b के साथ भी 1 लिख दिया, c के साथ भी 1 लिख दिया। तो 1 1 1 अगर लिखा है इसका मतलब है ये पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट है, x का पहले इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट है a1, दूसरे पहले इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट है b1, और पहले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म क्या है c1, और दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करेंगे इसमें 2 2 2 लगा देंगे। ये हमारा दूसरे इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? और जैसे पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ऐसा लिख देंगे, ये क्लियर है? तो ये हमारा ये पहला इक्वेशन बन जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हमको मेथड की जरूरत है, किसकी? मेथड की। तो हमने ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दुनिया भर के तरीके बनाए हैं, दुनिया भर के मेथड्स बनाए हैं, ठीक है? तो इसका मूल मंत्र समझ में आया, फंडा समझ में आया? ये वन इक्वेशन, वन वेरिएबल वाला इक्वेशन, और ये टू वेरिएबल वाला इक्वेशन, दोनों में क्या अंतर है? वन वेरिएबल वाले में एक क्वेश्चन का आंसर आता है, एक सवाल का जवाब मिलता है, और टू वेरिएबल वाले में इसमें दो दो चीजों का जवाब एक साथ निकल के आता है, एक ही क्वेश्चन में दो दो बातें आपसे पूछी जाती हैं। और तीन वेरिएबल होता तो एक क्वेश्चन में तीन तीन चीजों का जवाब एक साथ आता, क्लियर है? दो वेरिएबल इन्वॉल्व किया है तो सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगेंगे? दो इक्वेशन लगेंगे। ये दोनों इक्वेशन आपके सामने है, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। क्लियर है कि नहीं है? पक्का? इनको a1 b1 c1 को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। a1 किसका कोएफिशिएंट है? x का। b1 किसका है? y का। c1 कौन है? कांस्टेंट टर्म। कौन से इक्वेशन का? पहले इक्वेशन का। और a2 b2 c2 क्या है? a2 कोएफिशिएंट है दूसरे इक्वेशन में x का, b2 है y का, और c2 है कांस्टेंट टर्म दूसरे इक्वेशन का। तो दो इक्वेशन यहां पर हम यूज करने वाले हैं। क्लियर है बात यहां तक कि नहीं है? ठीक है, तो यहां तक आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले नोट करिए।
अच्छा, इस क्लास में हमको ये नहीं पढ़ना है वन वेरिएबल, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन, यानी हमको ये पढ़ना है। तो ये चीज़ तो हमको नहीं पढ़ना, ये आप पढ़ के आ रहे हैं क्लास नाइन्थ में, पूरा एक चैप्टर था, याद है आपको, पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के नाम से, पूरा एक चैप्टर था, चैप्टर फाइव या सिक्स बनता है इस तरह से, फाइव है ना। इसी का एडवांस वर्जन यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं दसवीं कक्षा में, ये उसी का एडवांस वर्जन, इसमें दो दो वेरिएबल आएंगे, दो दो सवाल पूछे जाएंगे, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ शर्त होती है, उन शर्तों पर हम डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। देखिए, अगर किसी सिस्टम को दो वेरिएबल मेंटेन करके रखना है, किसी इक्वेशन को अपने अंदर दो वेरिएबल मेंटेन करके रखना है, तो इसका मतलब है वाई के साथ जो कोएफिशिएंट होगा या एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो जिंदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी मर नहीं जाना चाहिए। मर जाने का क्या मतलब है? जीरो ना हो, क्या समझे? अगर ये नंबर जीरो हो गया तो जीरो किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगी उसको क्या बना देगा? तो अगर ये जैसे मान लो यहाँ जीरो होता, ये जीरो हो गया, जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाता? तो ये टर्म गायब हो जाता, सिर्फ क्या बचता? 2x, और यहाँ क्या बचता? 5। अब क्या आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते? ये कितने वेरिएबल में आ गया? वन वेरिएबल में, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है x और y के ये जो कोएफिशिएंट दिख रहे हैं a1 और b1, यहाँ भी a2 और b2, इनका जीरो होना मना है। जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? वन वेरिएबल बन जाएगा, और वन वेरिएबल हमको पढ़ना नहीं, हमको तो दो दो वेरिएबल यूज करने, क्योंकि दो दो चीजें पूछी जाएंगी आपसे। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए यहाँ पे शर्त क्या होता है, कंडीशन ये है कि a1 b1 और a2 b2 क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा कंडीशन हम नोट कर लेते हैं, कंडीशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, शॉर्टकट में लिख दिया ना, कंडीशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। कंडीशन क्या है? a1 b1 एंड a2 b2 नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक बात, समझ रहे हो? ये जीरो नहीं होने का मतलब इनमें से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, एक भी, कोई एक भी अगर जीरो हो गया तो वो टू वेरिएबल का इक्वेशन नहीं रहेगा, फिर वो वन वेरिएबल वाला बन जाएगा, ठीक है। और हमको दोनों वेरिएबल चाहिए, इसलिए इनके कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकते। आई बात समझ में? ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। तो वन वेरिएबल हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए था, ठीक बात। हमको टू वेरिएबल पढ़ना है, लीनियर वेरिएबल पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन, हर जगह वेरिएबल का पावर वन होगा, वन से ज़्यादा पावर नहीं दिख सकता, ठीक बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ सबसे पहले हमने इस चैप्टर को जो है बहुत सारी कैटेगरी में बांट रखा है। सबसे पहले जो हम सिचुएशन पढ़ेंगे उसमें सिर्फ इक्वेशन बनाना सीखेंगे। क्या सीखना है? इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, हालांकि उसका हमारे परीक्षा से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो जब तक हम मेन सिचुएशन तक नहीं पहुंच जाते, एक एक सीढ़ी हम चढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, तो पहली सीढ़ी में आपको ये सिखाया जाएगा कि इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। इक्वेशन फॉर्म करने का मतलब यहाँ पर आपको अब लड्डू जैसा सवाल नहीं आएगा, स्टेटमेंट के तौर पर सवाल पूछा जाएगा, उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपसे इक्वेशन बनाते नहीं बनेगा उसको सॉल्व कैसे करोगे? इक्वेशन ही गलत बन गया तो सॉल्यूशन तो जाहिर सी बात है गलत आएगा। इसलिए मेन फंडा, सबसे जरूरी बेसिक चीज क्या है? इक्वेशन का सही बनाना। तो आप सबसे पहले शुरू के एग्जांपल्स में, ट्राई दिस में, शुरू के एक्सरसाइज में क्या सीखेंगे? स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, और जब आपसे इक्वेशन बनने लग जाएगा उसके बाद फिर हम उसके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी सिर्फ हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे? इक्वेशन बनाने की, क्लियर है? यहां तक नोट करिए, उसके बाद हम लोग थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, पहला एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, सलमा सेड टू रीमा। सलमा किससे बात कर रही है? रीमा से। क्या बोलती है? माई नंबर इज 2 मोर देन योर नंबर। मेरा जो नंबर है वो तुम्हारे नंबर से 2 ज्यादा है। मोर देन का मतलब क्या होता है? 2 ज्यादा होना, ठीक है। सलमा सेड टू रीमा, माई नंबर इज 2 मोर देन योर नंबर, मेरा नंबर तुम्हारे नंबर से 2 ज्यादा है, ठीक है। एंड द सम ऑफ अवर नंबर इज 14, और हम दोनों का नंबर मिला के अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा? उसका सम 14 आएगा, यानी तुमको जितना नंबर मिला है, मेरे को जितना नंबर मिला है, अगर हम दोनों का नंबर जोड़ दें तो दोनों का सम कितना आएगा? 14 आएगा। अब ना तुम्हारा नंबर पता है ना मेरा नंबर पता है, एक कंडीशन पता है, कंडीशन क्या है? तुम्हारे नंबर से मेरा नंबर 2 ज्यादा है, और दूसरी कंडीशन क्या पता है?
दोनों नंबर अगर हम जोड़े तो सम कितना आएगा? हाँ जी, अब ये जो हम बात कर रहे थे ना अभी शुरू में, ध्यान से एनालॉजी समझिए मैथमेटिक्स की, ठीक है। देखिए सवाल में कितनी चीजें पूछी जाएंगी आपसे? दो चीजें। तो दो चीजें जो पूछी जाएंगी वो तो दिया नहीं रहेगा सवाल में, आपको निकालना है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे दो चीजें पूछता है और वो दोनों चीजें गायब हैं, वही तो जवाब है, वही तो सवाल है, समझ रहे हैं। तो दो चीजों का जवाब निकालने के लिए आपको दो वेरिएबल मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब आपने दो वेरिएबल मान लिया तो कितने इक्वेशन लगेंगे? दो इक्वेशन लगेंगे, दो इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप कैसे सॉल्व करोगे या दो इक्वेशन बनाओगे कैसे? दो इक्वेशन बनाने के लिए दो कहानी सुनाएगा क्वेश्चन। कितनी कहानी? हाँ, जितने इक्वेशन की जरूरत है उतनी कहानी आपके क्वेश्चन में रहेगी, और ये आप जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिलहाल अभी हम इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ आपको एक जनरल इक्वेशन बना के दिखाएंगे, सिंगल सिंगल इक्वेशन, टू वेरिएबल फिर हम इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। समझ आया? तो अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे वन वेरिएबल की इक्वेशन बनाने की, क्योंकि वन वेरिएबल की सीढ़ी चढ़ने के बाद ही टू वेरिएबल की सीढ़ी आएगी। समझे? शुरू करें। हाँ, तो सलमा सेड टू रीमा, माय नंबर इज टू मोर देन योर नंबर एंड द सम ऑफ अवर नंबर इज 14, कैन यू फाइंड अवर नंबर्स? क्या आप हमारे नंबर पता कर सकते हैं? ठीक है, तो इसमें दो कहानी सुनाई गई है कि नहीं? पहली कहानी ये है कि मेरा नंबर तुम्हारे नंबर से दो ज्यादा है, पहली कहानी। और दूसरी कहानी, दोनों नंबर जोड़ दें तो 14 आएगा, दो स्टोरी है। ठीक है, अब दोनों के नंबर क्या क्या होंगे? अब आप एक बात बताइए, अगर एक का नंबर पता चल जाए तो दूसरे का पता चल जाएगा कि नहीं? तो इसमें कितनी चीजें निकालनी है हमको? एक की दो, एक चीज। एक का नंबर अगर पता चल गया तो दूसरे का दो जोड़ने से नहीं आ जाएगा? समझ आया? तो ये तो वन वेरिएबल वाला सवाल हो गया। समझे नहीं समझे? हालांकि हम इसको, इसमें दो सवाल है तो इसको टू वेरिएबल से भी बना सकते हैं और वन वेरिएबल से भी बना सकते हैं। यही चीज थोड़ा सा बेसिक चीज है, आपको अच्छे से समझना है। समझे? जैसे दो बच्चे बात कर रहे हैं, सलमा और रीमा। सलमा बोलती है रीमा से कि तुमको जितना नंबर मिला है उससे दो ज्यादा मेरा नंबर है, है ना? तो मान लो इसका नंबर है 10, तो इसका कितना हो जाएगा? 12, दो ज्यादा। तो एक का नंबर अगर पता चल गया दूसरा आप तुरंत बता देंगे दो बढ़ा के। समझ आया कि नहीं आया? तो एक का नंबर हम कुछ मान लेते हैं, मान लें x, एक्स वाई कुछ भी। तो देखिए, लेट रीमा नाम है ना, रीमास नंबर भी x। रीमा का नंबर कितना मान लिए? x। तो आप बता सकते हैं सलमा का नंबर कितना होगा? y नहीं, y से भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, मैं दोनों से आपको दिखाता हूं। सलमास नंबर विल बी, अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं, एक का नंबर अगर पता चल जाए तो दूसरे का नंबर कैसे पता चल जाएगा? अपने से कैसे? दो बढ़ा के। तो इसको x नंबर मिला है तो इसको कितना मिलेगा? x में दो बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे x में दो? 2x का मतलब होता है दो गुना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x को। जैसे अगर देखना, ध्यान से देखना, रीमा को अगर 10 नंबर मिला है, कितना? तो बताइए सलमा को कितना मिलेगा? 12 कैसे आया? 10 में 2 जोड़ के 12 आएगा कि 10 में 2 मल्टीप्लाई करके 12 आएगा? बताइए, जोड़ के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं, एक को x मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? 2x कि x प्लस 2, समझ रहे हो ना? 2x करने का मतलब कितना है? अगर इसको 10 मिला है तो इसको 20, डबल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई अपन डबल करने के लिए करते हैं, उतने गुना करने के लिए, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, तो मल्टीप्लाई होगा। तो जब टाइम्स लिखा रहेगा क्वेश्चन में, क्या समझे? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, समझ रहे हो? दो गुना, तीन गुना, चार गुना, तब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। समझ आया कि नहीं आया? ट्वाइस लिखा रहेगा, थ्राइस लिखा रहेगा, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। थ्राइस का मतलब होता है तीन गुना, आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? लेकिन अगर लिखा है एक्सीड, ज्यादा होना, मोर देन, तो फिर क्या करना है? बढ़ाने के लिए प्लस करना है। समझ आया? तो बताइए, अगर एक को x मिला है तो दूसरे को x प्लस 2 मिलेगा। अब मुझे ये बताइए कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हुए इसमें? ध्यान से देखिए, दोनों का नंबर लिखा हुआ है, कैट वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक वेरिएबल खाली x, तो ये सिंगल वेरिएबल से बन जाएगा। x की वैल्यू पता चली तो दो जोड़ के दूसरे का वैल्यू पता चल जाएगा। हम इसको दो वेरिएबल से भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, यही सेम सिचुएशन मैं ऐसे लिख सकता था, लेट रीमास नंबर भी x
एंड सलमास नंबर भी वाई, ठीक है। रीमा का नंबर कितना है एक्स और सलमा का नंबर वाई, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि भैया रीमा का जो भी नंबर होगा वाई उससे कितना ज्यादा है, ये दो ज्यादा है। आया समझ में? ठीक, चलिए अब पहली सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरा सिचुएशन क्या दिया है, दो कंडीशन है ना कि मेरा नंबर तुम्हारे नंबर से दो ज्यादा है, तो तुम्हारा नंबर अगर x है तो मेरा नंबर उससे दो ज्यादा होगा, 2 प्लस एक्स, एक्स प्लस टू। दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि अगर हम दोनों नंबर जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों का सम 14 आएगा। दूसरा कहानी है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखो, ये मैं दोनों का नंबर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये किसका नंबर है, ये किसका नंबर है, सलमा, दिख रहा है, ये रीमा का नंबर और ये सलमा का नंबर। हमने दोनों का नंबर जोड़ा तो दोनों का सम कितना आया, 40। आ गया समझ कि नहीं आया, पक्का? अच्छा, अब इसमें से डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, एक्स बस दिख रहा है, वाई नहीं है, तो अब दूसरे इक्वेशन की जरूरत नहीं है, सिंगल इक्वेशन से बन जाएगा, क्लियर। देखिए एक्स और एक्स साथ में जुड़ जाएंगे, 1x plus 1x कितने x, ठीक है, सॉल्व करिए, 2 नंबर है उधर भेज दीजिए, 2 इधर प्लस में उधर जाके माइनस, इधर क्या बचा 2x, इधर ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, यहाँ क्या बचा 2x, x के साथ मल्टीप्लाई में है 2, उधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, बताइए सॉल्व होकर के कितना आया 6। अब x की वैल्यू मिल गई, एक का नंबर पता चल गया, दूसरा वैसे ही आ जाएगा। बताइए रीमा का नंबर कितना, देयरफोर रीमास नंबर कितना हुआ 6 हुआ जी। रीमा का ना x माना था, तो x की जो वैल्यू होगी वो रीमा का नंबर माना जाएगा। अब सलमा का नंबर कितना आएगा, सलमा का नंबर होगा x प्लस टू, x की वैल्यू है 6, उसमें दो जोड़े कितना हो गया 8, तो सलमा का नंबर 8 आ गया। ये समझे, इसको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगे, एक इक्वेशन लगा, क्लियर है। लेकिन अगर हम ऐसे बनाना चाहते तो कैसे करते, ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसको बताता हूँ ना। और रियल तरीका हुआ है हमारा टू वेरिएबल वाला, इसको कैसे बनाएंगे, अगर हम दो वेरिएबल ले लिए, हमने मान लिया रीमा को एक्स मिला और सलमा का नंबर वाई है, और क्वेश्चन बोलता है कि भैया सलमा का नंबर रीमा के नंबर से कितना ज़्यादा होगा, दो। तो अब हमने देखी कितने वेरिएबल इन्वॉल्व किए, दो, तो दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए कैठे इक्वेशन लगेंगे, तो इसमें आपको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इसमें कितने वेरिएबल इन्वॉल्व किए थे, एक, इसलिए उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन की जरूरत थी, ये हमने एक इक्वेशन बनाया और फटाक से सॉल्व होकर आंसर आ गया। लेकिन वहां अगर दो वेरिएबल ले लिए हो तो कितने इक्वेशन लगेंगे, दो। तो फिर देखिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो कहानी सुनाया है, क्वेश्चन सुनाया है, पहली कहानी बताइए क्या है। हाँ, सीमा नहीं है यहाँ पे, सलमा, सलमा के नंबर से दो ज्यादा है कि सलमा का नंबर रीमा के नंबर से दो ज्यादा है, सलमा का नंबर रीमा के नंबर से दो, तो बड़ा कौन है, एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, वाई बड़ा है। अब ध्यान से देखना कैसे इक्वेशन बनाते हैं, अगर आपने ये समझ लिया आपसे हर एक क्वेश्चन का इक्वेशन बन जाएगा, यही इसका जान है। क्या है, पूरे चैप्टर की जान यही चीज है जो अभी समझा रहा हूं आपको, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में ये काम करना पड़ेगा। ठीक, हमारे पास दोनों के नंबर लिखे हुए हैं, लिखे हैं, तो हम दोनों का नंबर ऐसे लिख लेंगे, x और y, ऐसे ये लिख लिए दोनों का नंबर। अब हमको पता है ये रीमा का नंबर है और ये सीमा का नंबर है, मुझे इक्वेशन बनाना है, ठीक है सलमा, मुझे इक्वेशन बनाना है, क्या करना है, इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, ये साइन चाहिए, ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पास इक्वल का साइन लगा दूंगा तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब x और y दोनों सेम सेम नंबर हो गए, बराबर बराबर हो गए, तो क्या दोनों बराबर नंबर हैं, भाई ये छोटा है ये उससे दो बड़ा है, इसलिए दोनों बराबर तो है नहीं, और मेरे को इक्वल साइन लाना ही है तभी तो इक्वेशन बनेगा, समझ आया। अब हमको पता है कि ये छोटा है और ये कितना बड़ा है, दो, तो मैं इसको भी दो बढ़ा दूं तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, या इसको दो कम कर दूं दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, समझ में आई बात। तो हमको पता है ये सलमा का नंबर है, ये दो ज्यादा है इससे, तो मैं इसको भी दो बढ़ा देता हूं, तो इसमें मैंने टू ऐड कर दिया, तो ये पहले से दो ज्यादा था, इसको मैंने दो बढ़ा दिया, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हुए, ये बन गया आपका पहला इक्वेशन, आया समझ। अब आप चाहो तो वाई इधर कर लो, टू उधर कर दो, वो आपकी मर्जी, ये इक्वेशन बन गया कि नहीं बना, बन गया। मैं ऐसा करता हूँ, वाई इधर बुला लेता हूँ
वाई उधर प्लस में इक्वल की इधर आके माइनस, टू को उधर भेज देता हूँ इक्वल के, टू उधर जाके माइनस। समझ आया? ये क्या बन गया हमारा पहला इक्वेशन। तो क्या एक इक्वेशन से जुगाड़ बन जाएगा? कितने इक्वेशन लगेंगे? दो इक्वेशन लगेंगे। तो दूसरा इक्वेशन किधर से आएगा? दूसरी कहानी से। दूसरी कहानी क्या थी? दोनों का सम, हाँ दोनों नंबर का सम 14 होता है। तो देखिए दो ठो नंबर कौन कौन से थे? एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y। अगर दोनों को जोड़े तो आंसर कितना आएगा बताइए? क्या ये इक्वेशन नहीं है? इक्वल साइन है। तो ये क्या हो गया हमारा? अब ये दो इक्वेशन है, दोनों को आप सॉल्व करिए और x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, y की वैल्यू आ जाएगी 8 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब। लेकिन अभी हम इसको सॉल्व नहीं करना जानते हैं, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मेथड नहीं पता है। पर अभी मैं मेथड सिखाने नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ क्या सिखा रहा हूँ कि इक्वेशन बनाते कैसे हैं। इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ आपको, मैं सॉल्व करना नहीं सिखा रहा। सॉल्व करना हम बाद में सीखेंगे, समझे? अब आप बोलोगे कि भैया आप इसको ऐसे बनाए हो और इसको ऐसे बनाए हो, तो दोनों तो अलग अलग दिख रहे हैं इक्वेशन, तो दोनों का आंसर भी अलग अलग आएगा, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आता आपको ना? आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन जब आप ऐसे बनाएंगे, दो वेरिएबल यूज करोगे, दो इक्वेशन लगेगा, और दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? और अगर आपने एक वेरिएबल इन्वॉल्व किया है तो एक इक्वेशन से डायरेक्ट आ जाएगा, आंसर आएगा सेम, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है यहां तक बात? तो ठीक है, अभी सिर्फ हम इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल गिवन बिलो। ये ट्राइंगल दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? तीन। एक एंगल है एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। एंगल ए को कितना लिखा है? एक्स डिग्री। कितना? एंगल बी को कितना लिखा है? एक्स प्लस 40। मतलब पहले एंगल से दूसरा एंगल कितना है? 40 ज्यादा, प्लस 40। ये पहला एंगल है ना, एक्स डिग्री दिख रहा है, ये एंगल ए, और इसमें 40 जुड़ गया। तो पहले एंगल में 40 जोड़ दोगे तो एंगल बी मिल जाएगा, दूसरा एंगल, और पहले एंगल में अगर 20 जोड़ दोगे तो तीसरा एंगल मिल जाएगा। इसका मतलब है पहला एंगल बस पता चल जाए। तो इसमें कितनी अननोन क्वांटिटी है? अननोन क्वांटिटी कितनी है? अच्छा से देखो, अननोन क्वांटिटी कितनी है, क्वेश्चन को समझो तब मजा आएगा। है ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, तीनों एंगल आपसे पूछा है, तीन चीज पूछा है, तीन एंगल। लेकिन जुगाड़ क्या दिया है? पहला एंगल x है, अगर ये x है तो ये उस x से 40 ज्यादा है। x पता चल जाए तो ये भी नहीं पता चल गया, और ये अगर x है तो ये x से 20 ज्यादा है। तो x अगर पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा। तो कुल अननोन क्वांटिटी क्या है? एक ठो है, वन, खाली x। x पता चल गया तो ये भी पता चल गया 40 जोड़ने से, x पता चल गया तो ये भी पता चल गया 20 जोड़ने से। तो खाली लापता कौन है? x, एक क्वांटिटी। तो एक अननोन क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए कितने वेरिएबल लगेंगे? एक। और एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगेंगे? एक इक्वेशन। एक इक्वेशन ढूंढ लाओ, आंसर आ जाएगा तीनों का। समझ आया? और हम सबको पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक, तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बताती है? कि अगर आप एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को ऐड करेंगे तो टोटल एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। अब एंगल ए बी सी दिया है, एक्स की भाषा में एंगल ए कितना दिया है बताइए? एक्स डिग्री। एंगल बी एक्स डिग्री प्लस 40। एंगल सी x डिग्री प्लस 20। तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। x x x आपस में जुड़ जाएंगे, नंबर नंबर आपस में जुड़ेंगे। 1x प्लस 1x प्लस 1x, कितने x? 3x। यहां पर देखिए 40 प्लस 20 60। अब ये नंबर नंबर के पास चला जाएगा, ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस, 180 माइनस 60, बताइए कितना आएगा? ये इधर बचा 3x, ये कितना बताएं? 120 डिग्री। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में, तो x कितना आएगा? 120 डिवाइडेड बाय 3, बताइए x कितना आया? 40 डिग्री। और x कौन था हमारा? एंगल A। ठीक, तो हम तीनों एंगल लिखें, therefore एंगल A कितना था? x डिग्री। और x की वैल्यू कितनी आई? 40 डिग्री। ये हमारा पहला आंसर हो गया।
ठीक है। एंगल बी बताइए क्या लिखा हुआ है, एंगल बी x डिग्री प्लस 40, x कितना आया 40 और इसमें ये 40 जोड़ दीजिए कितना हो गया 80 डिग्री, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा एंगल देखिए, एंगल सी कितना दिया है x प्लस 20, x कितना आया है 40 और इसमें 20 जोड़ दीजिए कितना हो गया 60 डिग्री, ये हमारा तीसरा आंसर। और अगर आपको डाउट लगता है कि हम सही किए हैं कि गलत, तो हमको पता है तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 जोड़ के देखिए, पहला एंगल 40, दूसरा एंगल 80, तीसरा एंगल 60, ध्यान से देखिए 40 और 60 कितना हुआ 40 और 60 100, 100 और 80 180, तीनों जुड़ गए 180 आ गए, सही है। ठीक, नोट कर लीजिए, तो एक वेरिएबल से हमारा काम चल जाता है। हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं, इक्वेशन बनाना, सॉल्यूशन से मतलब नहीं, अभी हमको सॉल्यूशन नहीं निकालना है, लेकिन लगे हाथ हम लोग निकालते जा रहे हैं, है ना। हमारा मकसद सिर्फ क्या है यहाँ पर, ये बनाना, ये इक्वेशन, ठीक है, और ये समझना कि किस सिचुएशन में कितनी इक्वेशन लगेंगी। ठीक है, ठीक, नोट करिए। ओके, तीसरा क्वेश्चन है देखिए हमारा, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, शुरू करें। क्वेश्चन दिया है, देयर आर सम डियर एंड सम क्रेन इन द फॉरेस्ट। डियर किसको बोलते हैं, हंस को, बकरी को, हिरण को, और क्रेन किसको बोलते हैं, हंस को, सोन पक्षी को, हाँ, कौआ को, चिड़िया होती है ना क्रेन, सारस को बोलते हैं शायद, सर्च कर लो जी, हाँ, कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सर्च करो। क्रेन तो वैसे बचपन से आपको पता होना चाहिए, सारस को बोलते हैं क्रेन। ठीक है, सारस, ठीक है, और ये चिड़िया, इसका फोटो देख लेते हैं ना कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, देखो इसको कोई बगुला नहीं बोलेगा ना, ये सारस है, दिख रहा है, इसको क्रेन बोलते हैं, सारस पक्षी। अब इसका एक वीडियो भी बीच में आया था पिछले साल, किसी किसान के घर में घुस गया था, चोट लगी थी, उसको पाला पोसा खिलाया और उसको छोड़ दिया, वो साथ ही साथ रहता था, वो खेती करने खेत जाता था तो साथ में उड़ के खेत पहुंच जाता था, फिर जब वो खेती करके शाम को घर पहुंचता था तो सारस भी घर पहुंच जाता था, उसी के साथ रहता था, एक थाली में खाता था, हाँ, बाद में उसको पकड़ के जू में डाल दिया गया तो सारस ने खाना पीना छोड़ दिया, बीमार हो गया, फिर काफ़ी टाइम के बाद उसको फिर हैबिट हो गई, फिर रहने लग गया। ठीक है, तो ये स्टोरी थी, सारस समझ आया किसको बोलते हैं, हाँ, तो देयर आर सम डियर एंड सम क्रेन इन द फॉरेस्ट। एक जंगल में कुछ हिरन है और कुछ सारस है, हिरन, ठीक है, देखे हो हिरन ना, सारस फोटो देख लिए, पक्षी है, तो एक एनिमल है जानवर हिरन और दूसरा पक्षी है क्रेन सारस। द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 180, दोनों के पाँव की गिनती अगर हम करें, किसके किसकी, हिरन के पाँव की गिनती और सारस के पाँव की गिनती, टोटल गिनती हमने किया, जितने भी हिरन थे जितने भी क्रेन थे, टोटल नंबर ऑफ लेग हमने कितना काउंट किया, 180, समझ आया। अब हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी डियर एंड हाउ मेनी क्रेन्स आर देयर, बताइए उस जंगल में कितने डियर हैं और कितने क्रेन्स हैं, समझ आया। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे हम देखिए, कितनी चीजों के बारे में पूछा जा रहा है, दो अननोन क्वांटिटी है, हिरन और सारस की गिनती, कैटो हिरन है कैटो सारस है, तो क्वेश्चन यही ना है, नंबर ऑफ डियर एंड नंबर ऑफ क्रेन्स, दो चीजें गायब हैं, दो चीजें लापता हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए कितने वेरिएबल इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, डियर के लिए एक वेरिएबल, क्रेन का नंबर निकालने के लिए दूसरा वेरिएबल, और अगर दो वेरिएबल यूज करेंगे तो इक्वेशन कैठो लगेंगे, दो ठो इक्वेशन लगेंगे, आया समझ। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया कि दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी इसमें, अब ये सिंगल वेरिएबल से नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना, कि बना ले सिंगल वेरिएबल से नहीं बनेगा ना, दो वेरिएबल आपको मानना पड़ेगा, इसलिए दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब थोड़े से पैर की गिनती हमको करनी है, तो पैर के बारे में समझिए, हिरन के पास कैठो पैर होते हैं 4 और सारस के पास, हाँ, तो ये इसमें अंतर है, एक हिरन के पास 4 पैर होंगे और एक क्रेन के पास 2 पैर होंगे, और हम सबके पैर टोटल गिनते हैं तो 180 पैर गिनाते हैं, 180 पैर, यानी उसमें क्रेन के भी लेग्स हैं और डियर के भी लेग्स हैं, टोटल काउंटिंग 180, ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमारा सवाल क्या है, क्या निकालना है, हाउ मेनी डियर एंड हाउ मेनी क्रेन्स, यही है क्वेश्चन ना, उस जंगल में कितने हिरन हैं और कितने सारस हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस पूरे चैप्टर में हर सवाल में आपको क्या करना है, क्वेश्चन वाली लाइन ढूंढना है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाली लाइन कौन सी है,
हाउ मेनी डियर्स एंड हाउ मेनी क्रेन्स आर देयर इन द फॉरेस्ट। समझ में आया? खोज लोगे आपके पूरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाली लाइन कौन सी है खोज लोगे। क्वेश्चन वाली लाइन का मतलब क्या है? जहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी जगह तो वो सिचुएशन बताएगा ना, नहीं समझे? जैसे पहली लाइन में क्या बताया कि एक जंगल में कुछ हिरन है और कुछ सारस है, लिखा है सम डियर एंड सम क्रेन्स। तो ये सिचुएशन बता रहा है कि एक जंगल है उसमें कुछ हिरन है और कुछ सारस है, गिनती नहीं बताया कि कैठो हिरन है कैठो सारस है, वही चीज तो पूछने वाला आगे चल के। और दूसरी सिचुएशन क्या बताया कि भैया हम सबके पैर जब गिनते हैं तो टोटल नंबर ऑफ लेग कितना काउंट होते हैं 180। ये एक सिचुएशन बता दिया, ठीक है। अब हमसे पूछ ले बताओ कैठो हिरन है और कैठो सारस है, आया समझ? तो हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वाली लाइन ढूंढेंगे। इसमें क्वेश्चन वाली लाइन कहाँ है? आखिरी में, हाउ मेनी डियर्स एंड हाउ मेनी क्रेन्स आर देयर इन द फॉरेस्ट। समझ आया? जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को कुछ हम मान लेते हैं, यानी जो ही जो चीज पूछा गया है उसी को कुछ ना कुछ मान लेंगे। जैसे क्या पूछा गया, कितने डियर हैं, तो हम क्या मान लेंगे एक्स डियर है, नंबर ऑफ डियर कितने हो गए एक्स, कितने क्रेन है वाई क्रेन है। समझ आया? तो सबसे पहले नंबर ऑफ डियर और नंबर ऑफ क्रेन नोट करिए, लिखिए सॉल्यूशन। लेट नंबर ऑफ डियर्स, हाँ जी देखिए नंबर ऑफ डियर कितना मान लिया, जंगल में कितने डियर हैं एक्स, जंगल में कितने क्रेन हैं ये उनकी गिनती है, जैसे 10 डियर हैं 15 क्रेन हैं, तो एक्स और वाई क्या है उनके नंबर्स, गिनती काउंटिंग, ठीक है। अब हमको सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ लेग कितना है 180, पैरों की गिनती, और हमको इक्वेशन बनाना है। एक सिचुएशन दिया है खाली नंबर ऑफ लेग्स, और तो कुछ नहीं बताया, डियर की संख्या भी नहीं बताया, क्रेन की संख्या भी नहीं बताया, खाली लेग्स की संख्या बताया है 180, ठीक है। अब इन दोनों के पैर अलग अलग हैं, एक डियर के 4 पैर होते हैं, एक क्रेन के 2 पैर होते हैं, है ना। और हमारे पास कितने डियर हैं एक्स। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक डियर है तो उसके कितने पैर होंगे, 4। 2 डियर है तो ध्यान से देखना, एक डियर है तो कितने पैर होंगे, 2 डियर है तो कितने पैर होंगे, 8 ना, ध्यान से देखना। ये 8 मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक डियर के 4 पैर, ये नंबर ऑफ लेग है, नंबर ऑफ लेग्स, ठीक है। 4 होता है जी एक डियर के पैर, तो एक डियर के 4 पैर हैं, एक डियर होगा तो 1x4 हो जाएगा, 2 डियर होगा तो 2x4 8 पैर हो गया, और अगर 3 डियर है तो 3x4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 पैर। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ डियर पता है, नंबर ऑफ डियर, तो उसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ लेग निकाल सकता हूँ कि नहीं। एक डियर है तो 4 पैर, 2 डियर है तो 2x4 पैर, 3 डियर है तो 3x4 पैर, क्योंकि एक डियर में कितने पैर होते हैं हमको पता है 4 पैर। तो जितने भी डियर होंगे उस डियर की संख्या को एक डियर के पैर की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल लेग आ जाएंगे, समझे कि नहीं समझे। तो बताइए एक्स डियर के कितने पैर होंगे, एक डियर के कितने पैर 1x4, 2 डियर के 2x4, 3 डियर के 3x4, 4 डियर होते तो 4x4, 5 डियर होते तो 5x4, 6 डियर होते तो 6x4, एक्स डियर होते तो x x 4। समझ आया? एक डियर के 4 पैर तो एक्स डियर के x x 4 पैर। समझ आया? आया नहीं? ठीक है, एक डियर के 4 पैर और एक्स डियर है तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे 4x। समझे? बोलिए कि नहीं समझे, जल्दी बोलो। एक डियर के 4 पैर तो एक्स डियर के 4x पैर, क्लियर है? सही में एक क्रेन के कितने पैर, वाई तो क्रेन की गिनती है कि वाई तो क्रेन है, एक क्रेन के कितने पैर 2, तो 2 क्रेन के 2x2, क्योंकि एक के 2 पैर हैं। 3 क्रेन होते तो कितने पैर होते 2x3, 4 होते तो 4x2, समझ रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है संख्या को जितने भी क्रेन होंगे। तो एक क्रेन के कितने पैर 1x2, 2 के 2x2, 3 के 3x2, 4 के 4x2, तो y क्रेन है तो y x 2, यानी 2y, समझ रहे हो। तो टोटल नंबर ऑफ लेग कितने हो गए क्रेन के 2y, टोटल नंबर ऑफ लेग कितने हो गए टोटल डियर के 4x, और हमने टोटल काउंटिंग की दोनों के पैर, तो दोनों के पैर कितने आए 180, आया समझ। ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बना। ये इक्वेशन कहां से आया, स्टोरी से आया, एक कंडीशन से आया कि दोनों के टोटल नंबर ऑफ लेग कितने थे 180, ये हमको इक्वेशन बनाने में हेल्प कर दिया। अब दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन लगेगा, इक्वेशन कहां से बनता है, कहानी से, कंडीशन से। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है पढ़िए क्वेश्चन में, कोई कंडीशन है
दूसरी कंडीशन क्या है, वो तो यूज कर लिया 180 टोटल नंबर ऑफ लेग, वो तो सवाल पूछा है ना आपसे कि टोटल नंबर ऑफ डियर बताइए, टोटल नंबर ऑफ क्रेन बताइए, वो तो आपका क्वेश्चन है, उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा हमको दो कंडीशन होनी चाहिए, एक कंडीशन दिया है टोटल नंबर ऑफ लेग, अरे वो तो सवाल है जी, वही तो निकालने की, एक्स डियर और वाई क्रेन मान लिया, इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन होनी चाहिए। जैसे एक कंडीशन क्या दिया था, दोनों के पैर की गिनती कितनी है 180, ये इक्वेशन बना दिया उस कंडीशन ने। अब दूसरा इक्वेशन भी चाहिए तो दूसरी स्टोरी होनी चाहिए, दूसरी स्टोरी है क्या, नहीं, इसलिए दूसरा इक्वेशन नहीं बनेगा, इसको यहां पर छोड़ना पड़ेगा, समझे। अब चूंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे इसलिए दूसरा कंडीशन उसने नहीं बताया है, आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ये हमने इक्वेशन बना लिया, एक इक्वेशन, दूसरा कंडीशन दिया होता तो दूसरा इक्वेशन भी बना लेते, समझे, ठीक है। इसके बाद वाला एग्जांपल देखिए, हाँ जी, एग्जांपल नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी एंड टू पेंसिल इज 45 रुपीज, है ना, कितनी कॉपी है, वन कॉपी, और पेंसिल कितनी है, दो पेंसिल, और दोनों की कीमत मिला के कितनी है, हम स्टेशनरी दुकान गए, हमने दुकानदार से एक कॉपी मांगा और दो ठो पेंसिल मांगा, उसने कुल कीमत कितनी बताई, दोनों का मिला के 45, एक कॉपी और दो पेंसिल की कीमत 45, बस यही सिचुएशन दिया, आगे कुछ बोला ही नहीं है कि लिखा है कुछ और, नहीं लिखा है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग चीज़ों की अलग अलग कीमत होगी, कॉपी की कीमत अलग होगी, एक कॉपी की कीमत अलग होगी और एक पेंसिल की कीमत अलग होगी। तो जब तक आपको एक वैल्यू नहीं पता चल जाती, एक कॉपी की कीमत, एक पेंसिल की कीमत, तब तक आप कोई कीमत नहीं निकाल सकते, समझ आया, हमको क्या निकालना रहेगा, एक कॉपी की कीमत और एक पेंसिल की कीमत। तो मान लेते हैं एक कॉपी की कीमत कितनी होगी, लेट कॉस्ट ऑफ वन कॉपी एक्स रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल वाई रुपीस, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, दोनों की अलग अलग कीमत हमने मान ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, टोटल कीमत कितना बताया उसने, 45. कीमत पे बात हो रही, तो हमारा इक्वेशन भी कीमत का बनेगा, समझ आया कि नहीं आया, आया। अब देखिए कितनी कॉपी खरीदा जी उसने, एक कॉपी, ठीक है, और एक कॉपी की कीमत कितनी है, एक्स रुपया, एक कॉपी उसने खरीदा, एक कॉपी की कीमत कितनी होगी, एक्स रुपया। पेंसिल कितना खरीदा, दो, और एक पेंसिल की कीमत कितनी है, तो दो पेंसिल की कितनी होगी, 2y, समझ आया, तीन पेंसिल होती तो 3 × 2y, समझ आ रहा है, ठीक। तो एक पेंसिल की कीमत y, तो दो पेंसिल की कीमत 2y, और दोनों कीमत मिला के कितना हुआ, 45, समझ आया। अब इधर देखो ध्यान से, इक्वेशन बन गया, दूसरी कोई स्टोरी दी है क्वेश्चन में तो दूसरा इक्वेशन नहीं बनेगा, यहां पर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है, दूसरा इक्वेशन बनना था, दूसरी कंडीशन होनी थी लेकिन नहीं है, तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको सॉल्व नहीं करना है, खाली इक्वेशन बनाना सीखना है। अब एक छोटी सी चीज और ध्यान से रखिए, समझिए, ये 45 क्या चीज है, क्या दिया है बुक में, व्हाट इज 45, कॉस्ट, पैसा, रुपया, क्या है, रुपया, और ये क्या लगा है, तो अगर ये रुपया है तो इक्वल के बाद जो चीजें लिखी जाएंगी वो भी रुपया की भाषा में होंगी, दोनों भाषा सेम होनी चाहिए, समझ आया। इधर अगर गिनती लिखी होती, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से देखना, हमने x किसको माना था, नंबर ऑफ डियर को, तो ये कितना था 4x, हाँ, और ये कितना था 2y, एक क्रेन के दो पैर होते हैं तो y क्रेन के 2y पैर हुए, और दोनों पैर मिला के कितने होंगे, 180, ये 180 क्या था, नंबर ऑफ लेग्स, पैर की गिनती, तो ये भी क्या होगी, पैर की गिनती, ये भी क्या होगी, दोनों पैर की गिनती जब जुड़ेंगे तब पैर की गिनती आएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चीज सेम नेचर की होनी चाहिए, एक स्वभाव की। अगर इधर रुपया लिखा है तो इधर भी ये दोनों क्या होंगे, रुपया में रुपया जुड़ेगा तभी रुपया आएगा, समझ आया, पैर की गिनती में पैर की गिनती जुड़ेगी तभी पैर की गिनती आएगी, बात समझ रहे हैं। तो इधर जो चीज लिखी जाएगी आपका इक्वेशन इधर उसी भाषा में होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, समझ में आ रहा है। और ये आप जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आया। तो इधर अगर रुपया लिखा है तो ये भी क्या होना चाहिए, रुपया, ये भी क्या होना चाहिए, जबकि देखिए ये क्या है, एक कॉपी का कीमत रुपया है, ये क्या है, एक पेंसिल का कीमत रुपया है, ये तो एक पेंसिल कीमत वाई है, तो दो पेंसिल कीमत 2y, एक कॉपी कीमत एक्स, ये भी रुपया, ये भी रुपया, तो रुपया रुपया जुड़ के रुपया, इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने कुछ इक्वेशन बनाना सीखा, इसके बाद की क्लास में हम लोग इसके ट्राई दिस के क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसके इक्वेशंस बनाना सीखेंगे,
आई बात समझ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दो ट्राई दिस है, एक है पेज नंबर 31 में तीन क्वेश्चन है और एक है पेज नंबर 32 में पांच क्वेश्चन। तो पहले हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो उसको यहीं पे रोकते हैं।